In today's lecture, we will discuss the remaining points of the chapter Introduction to Different Dosage Forms. In the previous lecture, we will learn the definitions of a dosage form, their needs, advantage, disadvantage. After the classification of dosage form, in that we have to discuss the solid dosage form, their example, dentifrices, tooth powder, then after dusting powder, okay, then tablet, capsule, pills, okay, then after that the insufflation, snuff, okay, granules, effervescent granules. After that, in the liquid dosage form, we will learn the monophysic liquid dosage form, okay, in that sprays. Also we have learned, okay, linctuses, drops, liniments. After that the liniments and lotions, the difference between liniments and lotions, okay, gargles, mouthwash, throat paints, okay. After that, in today's lecture, we will discuss the monophysic liquid dosage form remaining examples. Sprays. Sprays are preparations of a drug in a media which may be aqueous, alcoholic or glycerin. They are applied to the mucous membrane of a nose or throat with an atomizer. तो स्प्रे एक प्रिपरेशन है जिसके अंदर विच कंटेन्स एक्वियस और अल्कोहलिक और ग्लिसरीन. ओके, स्प्रे के अंदर एक्वियस प्रिपरेशन होता है, अल्कोहलिक होता है, देन ग्लिसरीन ऑल्सो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज. ओके, उसके अंदर कंटेंट्स जो होते हैं एक्वियस भी होता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है और वो ग्लिसरीन भी हो सकता है. ओके, दे आर अप्लाइड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन और नोज और थ्रोट विथ एन एटोमाइजर. एटोमाइजर क्या होता है कि एटोमाइजर एक एपराटस और एक ऊपर की जो क्या बोलेंगे, ऊपर का जो स्प्रे के ऊपर का जो होता है ना कैप, तो एटोमाइजर से क्या होता है कि जो भी हम लिक्विड जैसे भी हम जो स्प्रे होता है उसको जैसे प्रेस करेंगे तो थ्रू एटोमाइजर जो लिक्विड लिक्विड जो होता है उसका कन्वर्जन होता है ड्रॉपलेट्स के अंदर, वो विच प्रोड्यूसेस इन द ड्रॉपलेट्स. ओके, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में लिक्विड का कन्वर्जन होता है, उसे क्या बोलेंगे, एटोमाइजर. तो एटोमाइजर स्प्रे के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि लिक्विड का कन्वर्जन स्प्रे के अंदर हो जाए. ओके, विच इज प्रोड्यूसेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज. ओके, स्मॉल ड्रॉपलेट्स. ओके, दे आर अप्लाइड, जो स्प्रे होते हैं नाउ डेज अलग अलग फॉर्मुलेशन आते हैं, जैसे कि एक स्प्रे होता है जो कोई अगर बॉडी के अंदर कहीं शरीर पर या कोई हाथ में, पैर में, कमर में दर्द है तो हम अलग अलग स्प्रे भी अब मार्केटेड में या मार्केटेड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल हैं. जैसे कि मुंह को भी एक स्प्रे है देखो, देन अलग अलग डिफरेंट ब्रांड के अलग अलग कंपनी के अलग अलग स्प्रे भी हैं जो कि हम जहाँ पर भी हमें दर्द होता है तो हम उसको स्प्रे करेंगे तो इमिडिएटली एक्शन विल बी टेकन फ्रॉम दिस स्प्रे. ओके, तो वो देना ऑल्सो हम क्या करते हैं कि नोज़ में भी हम स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं. देन थ्रोट में भी अगर कोई थ्रोट में मतलब किसी को थायरॉयड है तर तिथे खूप त्रास होते बघा त्यांच्या घशामध्ये किंवा गळ्यात, तर काय होतं की त्या कंडिशनमध्ये काय करतात की ते कमी होण्यासाठी स्प्रे पण असं तोंडात मारतात किंवा कुछ कुछ क्या रहते हैं कि एक अस्थमेटिक कंडीशन और ब्रांकोडायलेटर जिसका ब्रांको कंजेस्टन जिसका हो गया तो उसको डायलेशन करने के लिए अस्थमा पेशेंट के लिए जो अच्छे से सांस नहीं ले सकते जिसका ब्रांका पूरा फिलअप है तो जो अच्छे से सांस नहीं ले सकते तो ऐसे कंडीशन में अलग अलग डिसीज के कंडीशन में भी स्प्रे का हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, द थ्रोट स्प्रेज मस्ट बी स्प्रेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ एटोमाइजर. जो थ्रोट स्प्रेज होते हैं उसका स्पेशल टाइप ऑफ एटोमाइजर होता है, उसको हम नेबुलाइजर बोलेंगे. एटोमाइजर और नेबुलाइजर सेम होता है, मतलब लिक्विड का कन्वर्जन ड्रॉपलेट्स में करना, उसे हम एटोमाइजर बोलेंगे. तो जो थ्रोट के स्प्रेज होते हैं उसको एक अलग एटोमाइजर का यूज़ किया जाता है, उसे हम नेबुलाइजर बोलेंगे. विच रिमूव द लार्ज ड्रॉपलेट्स बाय बैफलिंग सिस्टम. तो जो लार्ज ड्रॉपलेट्स भी जैसे कि स्प्रे करने के बाद लिक्विड के स्मॉल ड्रॉपलेट्स आते हैं तो कुछ बड़े भी आ सकते हैं. ओके, हम बता नहीं सकते कि ड्रॉपलेट्स कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो अगर कोई बड़ा ड्रॉपलेट्स भी आ रहा है तो उसको कम करने के लिए नेबुलाइजर का यूज़ किया जाता है. ओके, ओनली फाइन ड्रॉपलेट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट दे मे रीच द लंग्स. ओके, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ही हमने लंग्स के अंदर डालना है और स्प्रे करना है तो इसके लिए हमने नेबुलाइजर का यूज़ किया है जो कि एक स्पेशल एटोमाइजर्स के द्वारा उसको प्रिपेयर किया गया है थ्रोट स्प्रेस के लिए. ओके, हम उसको नेबुलाइजर बोलेंगे. एंड विच रिमूव द लार्ज ड्रॉपलेट्स बाय बफलिंग. बफलिंग से लार्ज ड्रॉपलेट को हम कम करेंगे. ओके, देन एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन स्प्रे कंपाउंड BPC.
ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो एक फार्मूला बताया गया है एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन स्प्रे कंपाउंड। इसके अंदर एक एड्रेनालिन एसिड टार्टरेट 8 ग्राम में लिया है, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट 1 ग्राम में लिया है, पापावरिन हाइड्रोक्लोराइड 8 ग्राम में लिया हुआ है यहाँ पर, देन सोडियम मेटाबाइसल्फाइट 1 ग्राम में लिया हुआ है, देन क्लोरोब्यूटॉल 5 ग्राम में, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल 50 ml में, प्यूरिफाइड वाटर लिया है फ्रेश बॉइल्ड एंड कूल्ड टू मेक 1000 ml, उसको बॉयल जो फ्रेश वाटर हमने लिया है डिस्टिल वाटर जिसे बोलेंगे फ्रेश वाटर बोलेंगे, जो कि बॉयल किया हुआ है, बॉयल करने के बाद जिसे कूल करेंगे ऐसे प्यूरिफाइड वाटर हमने 1000 ml लिया है प्रिपरेशन के लिए एड्रेनालिन एट्रोपिन स्प्रे के लिए। तो समझ में आया स्प्रे क्या होता है, कि स्प्रे का यूज़ किया जाता है थ्रोट के लिए या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो थ्रोट स्प्रे होते हैं स्पेशल एटमाइजर से उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसे हम नेबुलाइजर बोलेंगे, और जो बड़े ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसको कम करने के लिए, क्लियर करने के लिए, बैफलिंग मतलब बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको क्लियर और स्मॉल कर हम लंग्स में स्प्रे कर सकते हैं इजीली वहाँ पर जाने के लिए। तो बैफलिंग सिस्टम से एक जो क्लियर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे में कन्वर्ट करना एक ओके। तो डिफ़िकल्ट जो होता है प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड सॉल्व करने के लिए बैफलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है ओके। देन नेक्स्ट इज इनहेलेशन। इनहेलेशंस क्या होते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। दिज आर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वोलाटाइल सब्सटेंसेस यूज टू रिलीव कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ओके। जो एक इनहेलेशन जो होता है एक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वोलाटाइल सब्सटेंसेस, वोलाटाइल मतलब जो भी इन्वायरमेंट में अगर हम वोलाटाइल सब्सटेंस रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो इन्वायरमेंट में वो इवाप्रेट हो जाएगा, म्हणजे स्प्रेड होऊन जाईल। एखादं वोलाटाइल ऑइल ठेवलं आपण इन्वायरमेंटमध्ये आणि जसं त्याला असंच ठेवलं इन्वायरमेंटमध्ये असंच काही झाकण वगैरे लावलं नाही तर काय ते इवाप्रेट होऊन जाईल, तर त्याला आपण वोलाटाइल सब्सटेंस असं म्हणूयात। आणि हे इनहेलेशन जे असतात लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वोलाटाइल सब्सटेंसेस and are used to relieve congestion and inflammation of the respiratory tract। congestion मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर इनहेलेशन का यूज़ किया जाता है रिलीव के लिए congestion and inflammation of the respiratory tract, यानी कि कोई हमारा नोज़ में भी क्या होता है कि कंजेशन होता है, तो कंजेशन मतलब क्या, एक अनवांटेड जो फ्लूड जो काय म्हणते तयार होते नोजमध्ये किंवा ते नाक जाम होऊन जातं बघा, किंवा छातीमध्ये कफ निर्माण होतं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला श्वास वगैरे घेता येत नाही, तर त्यालाच आपण कंजेशन म्हणजे जे फ्लूड असतं एक म्हणजे कफ किंवा काही असं म्युकस मेम्ब्रेनवरचं जास्त असं जाम होऊन जातं आपलं त्या छातीमध्ये, किंवा असं पसरल्यासारखं झालेलं असतं बघा कफ वगैरे ते असं एकदम भरून जातं, किंवा नोजमध्ये एकदम फ्लुईड ते एकदम भरू जातं, तर त्यालाच आपण कंजेशन असं म्हणूयात। तर त्या काय असल्या म्हणजे जे कंजेशन आणि इन्फ्लॅमेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रॅक जे असतं, म्हणजे इन्फ्लॅमेशन वगैरे रिस्पायरेटरी ट्रॅकमध्ये वगैरे झालेलं असतं किंवा कंजेशन वगैरे झालेलं असेल, तर त्याला कमी करण्यासाठी तर रिलीव्ह करण्यासाठी आपण इनहेलेशनचा यूज करूयात। द इनहेलेशन कंटेनिंग द वोलाटाईल सब्सटन्सेस विच आर वोलाटाईल ॲट अ रूम टेम्परेचर मे बी प्लेस्ड ऑन अन ॲब्सॉर्बंट पॅड और हँडकरचीफ टू इनहेल देअर फॉर्म। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, क्या किया जाता है कि जो इनहेलेशंस होते हैं कि वोलाटाइल सब्सटेंसेस होते हैं एंड विच आर वोलाटाइल रूम टेम्परेचर वो वोलाटाइल हो जाते हैं, तो अगर इन्वायरमेंट में उसको ऐसे रखेंगे या त्याला म्हणजे आपण हे केलं नाही व्यवस्थित त्याला ठेवलं नाही किंवा काळजी घेतली नाही, तर ते असं वोलाटाइल असल्यामुळे काय होतं की इव्हॅपोरेट होऊन जातं। तर काय करायचं आपल्याला, तसले जे इनहेलेशन्स असतात कंटेनिंग वोलाटाइल सब्सटन्सेस आपल्याला काय करायचं आहे, मे बी प्लेस्ड ऑन द ॲब्सॉर्बंट पॅडवर त्याला प्लेस करायचं आहे, और हँडकरचीफ जी असते आपली त्याच्यावर ते टाकायचं आहे आणि इनहेल करायचं आपल्याला ओके। इन अदर केसेस इनहेलेशन्स आर ॲडेड टू हॉट बट नॉट बॉइलिंग वॉटर अबाउट 65 degrees Celsius एंड वेपर्स आर इनहेलेड फॉर अबाउट 10 minutes। तो कुछ कंडीशन में क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन में अगर हमने देना है पेशेंट के लिए, तो इनहेलेशन सा एडेड टू हॉट जो गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर क्या करते हैं कि वो उसको ऐड करते हैं, ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए बॉइलिंग वाटर लेकिन हॉट होना चाहिए, 65 degrees Celsius तक रहना चाहिए। तो क्या करेंगे उसको वेपर्स, उसको क्या करेंगे
उसके अंदर हम लिक्विड डालेंगे और उसको क्या करेंगे, जो वेफर्स आते हैं उसमें जो लिक्विड में हमने इनहेलेशन डाला है तो उसके अंदर के जो वेफर्स आते हैं वो वेफर्स हमने लेना है थ्रू नोज़, मतलब सांस के द्वारा, जैसे उसको उसके सामने ऐसे सर रखेंगे, ऐसे चेहरा पूरा फेस उसके सामने रखेंगे और जो वेफर्स है वेफर्स को अंदर लेंगे, इनटेक करेंगे वेफर्स को, इस तरह से हम उसको इनहेलेशन को भी ले सकते हैं। देन मेंथॉल एंड यूकेलिप्टस क्या है, मेंथॉल एंड यूकेलिप्टस इनहेलेशन बीपीसी, इसके अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट 70 ग्राम, मेंथॉल 20 ग्राम, देन यूकेलिप्टस ऑयल 100 ml, वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml। ओके, डिजॉल्व द मेंथॉल इन यूकेलिप्टस ऑयल एंड ऐड लाइट मैग्नीशियम। ओके, कार्बोनेट एंड देन उसके बाद कार्बोनेट एंड सफिशिएंट लाइट मैग्नीशियम के अंदर कार्बोनेट एंड सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ओके, डिजॉल्व पहले क्या करेंगे, मेंथॉल लेंगे यूकेलिप्टस ऑयल के अंदर, दोनों उसके बाद लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और सफिशिएंट वाटर डाल के उसको स्टर करेंगे अच्छे से। ओके, अप टू द रिक्वायर्ड वॉल्यूम में, जितना वॉल्यूम है 1000 ml या कितना हमने प्रिपेयर करना है, 1000 ml तक हमने प्रिपेयर करना है या मेंथॉल एंड यूकेलिप्टस का इनहेलेशन, तो वॉल्यूम मेकअप करेंगे देन वाटर डाल के। ओके, नेक्स्ट आगे में जाते हैं, हम आगे चल के देखते हैं हम कि स्लाइड में क्या है। नेसल ड्रॉप्स, नेसल ड्रॉप्स, ओके, दिस आर सोल्यूशन ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इन टू द नोज। नेसल ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट, नेसल क्या होता है कि नोज के लिए इंस्टिल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, नेसल ड्रॉप इन टू द नोज विथ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर्स के द्वारा हमने उसको नोज में इंस्टिल्ड करना है नेसल ड्रॉप को। दीज आर यूजअली एक्वियस एंड नॉट ऑयली ड्रॉप्स। ओके, यूजअली ये जो नेसल ड्रॉप होते हैं एक्वियस होते हैं, नॉट ऑयली ड्रॉप्स। ओके, ऑयली क्यों नहीं रहते थे, कुछ लॉजिकली समझ में आता है कि ऑयली ये नेसल ड्रॉप क्यों नहीं होती, क्योंकि जो हमारे नोज़ के अंदर क्या होता है कि अगर हम ऑयल डालेंगे तो वो पूरा चिपक के रह जाएगा। हमारे नोज़ के अंदर क्या होता है कि थोड़े से एक हेयर्स होते हैं जो कि अनवांटेड मटेरियल कुछ अगर है तो वो इनहेल नहीं करने के लिए, इनहेल अंदर ना जाए, तो उसके लिए एक सुरक्षा कवच म्हणून त्याच्यामध्ये एक थोडेसे हेअर्स असतात आणि त्यामुळे आपण ते जर ऑइलमध्ये नोजमध्ये टाकलं तर काय होईल, सगळं चिपकून बसेल असं नाकामध्ये ते, किंवा स्प्रेड होणार नाही पूर्ण। त्यासाठी जे जेवढे नेसल ड्रॉप असतात त्याच्यामध्ये ऑइल हे नसतं, ओके, ॲक्युअस प्रिपरेशन असतात युजली ते, and since the latter inhibit the movement of cilia in the nasal mucosa and if used for long period may reach the lungs and cause lymphoid pneumonia। okay, आणि काय करतं की जर ऑइल जर आपण टाकलं तर काय करतं की ते जे सिलियाची मूवमेंट जे असते ना, जे आपल्या नाकामध्ये जे हेअर्स असतात किंवा जे सिलिया प्रेझेंट असतात नॅसल म्युकसामध्ये, तर ते इनहिबिट करतं, म्हणजे टाळतं पूर्ण जी मूवमेंट आहे, त्याची मूवमेंट जे असतील सिलियाची ती पूर्ण इनहिबिट केली जाते किंवा काय इनहिबिट केली जाते ती मूवमेंट सिलियाची। ओके, अँड इफ यूज फॉर लाँग पिरियड्स, जर लाँग पिरियडसाठी आपण नॅसल ड्रॉप म्हणजे यूज करत असेल तर काय करायचं, काय होतं की ते म्हणजे जेवढं कालावधी दिलेला आहे तेवढ्याच कालावधीमध्ये आपल्याला नेसल ड्रॉपचा यूज करायचा आहे, आणि जास्त क्वांटिटीमध्ये जर आपण त्याचा यूज केलं तर काय होईल, दे मे बी रीच टू द लंग्स अँड कॉज लिपॉइड न्युमोनिया। म्हणजे जास्त काळ आपण जर नेसल ड्रॉपचं पण जर यूज केलं तर काय होऊ शकते, काय होईल की लंग्समध्ये जाऊन काय होईल, लिपॉइड न्युमोनिया पण होण्याचे चान्सेस असतात। नॅसल ड्रॉप शुड बी आयसोटोनिक हॅविंग न्यूट्रल pH अँड विस्कोसिटी। नॅसल ड्रॉप जे आहे ना ते आयसोटोनिक असायला पाहिजे। आयसोटोनिक म्हणजे काय, जे नॅसल ड्रॉप आपण प्रिपेअर करणार आहेत नोजमध्ये, नोज के अंदर जितना pH होता है, जितना pH जो होता है उतने pH में क्या होना पड़ता है कि हमारा नॅसल ड्रॉप का भी pH, नॅसल ड्रॉप का pH और जो नोज का pH है दोनों का सेम होना चाहिए, तभी हम नॅसल ड्रॉप हम नोज में इंसर्ट कर सकते हैं, इंस्टिल कर सकते हैं। ओके, हैविंग द न्यूट्रल pH एंड विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी है उसकी जितने क्वांटिटी में होनी चाहिए, मेंटेन ऑप्टिमम क्वांटिटी में विस्कोसिटी एंड न्यूट्रल pH होना चाहिए। ओके, सिमिलर टू नेसल सिक्रेशन बाय यूजिंग मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज भी हमने यूज़ करना है नेसल ड्रॉप के अंदर। ओके, जो नेसल सिक्रेशन के जो pH होता है उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा नेसल ड्रॉप का pH रखना पड़ेगा। तो एग्जांपल, इपिड्रिन नेसल ड्रॉप्स BPC, इपिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 0.5 ग्राम, क्लोरोब्यूटॉल दैट इज 0.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड दैट इज 0.5 ग्राम, वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml। ओके, इतने क्वांटिटी में हमने ड्रग लेना है एंड वाटर लेना है 1000 ml तक। ओके, नेसल ड्रॉप के बाद
इसके बाद हम आई ड्रॉप स्टडी कर लेते हैं. आई ड्रॉप्स दिस आर स्टराइल सोल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ अ ड्रग दैट आर इंस्टिलेड इन टू द आई विथ अ ड्रॉपर. ओके, आई ड्रॉप्स हम देखते हैं, सभी डालते हैं. ओके, दिस आर स्टराइल होता है, स्टराइल मतलब असेप्टिक, जिसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनी फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. एकदम प्योर स्टराइल सोल्यूशन होना चाहिए. और उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन भी, अगर बोल सक अगर उसे कहना पड़े तो हम उसको सस्पेंशन भी बोलेंगे. और स्टराइल सोल्यूशन होता है ऑफ ए ड्रग दैट आर इंस्टिलेड इन टू आई विद द ड्रॉपर. ओके, द आई ड्रॉप्स आर यूजली मेड इन अ यूजली मेड इन एक्वियस व्हीकल. ओके, इट शुड बी स्टराइल आइसोटोनिक विथ लैक्रिमल सिक्रेशन जो होता है हमारे आई के अंदर, जो लैक्रिमल सिक्रेशन होता है उसका जो पीएच होता है उसके हिसाब से ही हमारा आई ड्रॉप का पीएच होना चाहिए. दोनों का ऑप्टिमम मतलब दोनों का सेम पीएच होना चाहिए. या आई ड्रॉप का मतलब इसका हम आई ड्रॉप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीएच है ये 7-8 और हमारा लैक्रिमल सिक्रेशन, फॉर एग्जाम्पल लैक्रिमल सिक्रेशन का हमारा पीएच है 2 और हम प्रिपेयर कर रहे हैं आई ड्रॉप सोल्यूशन का पीएच जो है 10, ऐसा नहीं है. दोनों का भी सेम पीएच रेंज होना चाहिए, उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे. ओके, समझो फॉर एग्जांपल आई का पीएच 5 है तो हमारा जो प्रिपरेशन आई ड्रॉप का उसका भी पीएच 5 होना चाहिए. दोनों की जो क्वांटिटी, जो पीएच रेंज है दोनों की सेम होनी चाहिए. बफर्ड एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स टू अवॉइड इरिटेशन टू द आई. जो हमारा आई ड्रॉप होता है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, असेप्टिक होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए. ओके, स्टराइल मतलब कोई भी उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल या कोई अंदर गंदगी या कोई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई नहीं होना चाहिए. वो एकदम स्टराइल और असेप्टिक सोल्यूशन एंड बफर्ड एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स टू अवॉइड इरिटेशन ऑफ आई. आई के अंदर कोई इरिटेशन ना हो इसके लिए वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. ओके, डस्ट पार्टिकल्स. ए सुटेबल प्रिजर्वेटिव लाइक फिनॉल मर्क्यूरिक नाइट्रेट दैट इज 0.002%. ओके, बेंजालकोनियम क्लोराइड दैट इज 0.01% एंड क्लोर हेक्सिडीन एसिटेट 0.01% मे बी यूज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ. तो इसके अंदर हमने कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी मार्केटेड या कोई अलग अलग प्रिपरेशन, जितने भी प्रिपरेशन है सभी में हमने प्रिजर्वेटिव का यूज़ करना होता है, क्योंकि हमने उसको लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर करके रखना होता है, 1 साल 2 साल 3 साल. तो इसके लिए सभी प्रिपरेशन, जो भी जितने भी फॉर्मुलेशन होते हैं, उन सभी में प्रिजर्वेटिव का एडिशन किया जाता है टू प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम और टू प्रिजर्व और टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ इन द प्रिपरेशन. ओके, इन दैट वी हैव टू एडेड दैट इज प्रिजर्वेटिव दैट इज फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, आफ्टर दैट बेंजालकोनियम क्लोराइड एंड क्लोरहेक्सिडीन एसिटेट एंड विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ. ओके, बैक्टीरिया की और फंगल की ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रिजर्वेटिव ऐड किया है आई ड्रॉप के अंदर. ओके, आई ड्रॉप्स यूजली कंटेन सब्सटेंसेस हैविंग एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनेस्थेटिक एंड माइटोटिक प्रॉपर्टीज. तो मतलब ये एंटीसेप्टिक का इसका आई ड्रॉप जो होते हैं, जिसकी कैटेगरी है, जिसका यूज़ होता है आई ड्रॉप्स का, एक एंटीसेप्टिक बोल के भी यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी, देन एनेस्थेटिक भी, देन माइटोटिक. एक जो डिसीज की कंडीशन होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा जो आईज होता है वो कॉन्ट्रैक्शन, पिपुल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम आई ड्रॉप का अलग अलग जो आई से रिलेटेड ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं. द आई ड्रॉप्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय dissolving the medicament in this aqueous vehicle containing one of the prescribed antimicrobial substances and any other preservative specified in the individual monograph. तो इसके अंदर हम अलग अलग ingredients aqueous के अंदर dissolve करते हैं, इसके अंदर antibacterial substance, then other preservative हम इसके अंदर dissolve करके एक eye drops का preparation करते हैं. okay, next उसके आगे देखते हैं. the solution is क्लैरिफाइड बाई फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसफॉर्म टू द फाइनल कंटेनर. जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसको फिल्टर करेंगे एंड देन उसको ट्रांसफर करेंगे टू द फाइनल कंटेनर्स विच आर देन क्लोज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब जिसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए, ऐसे हम कंटेनर में उसको फिलअप करेंगे. द स्टरिलाइजेशन इज डन बाय ऑटोक्लोविंग और बाय हीटिंग विथ अ बैक्टीरिसाइड एट 98 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स फॉर बाय फिल्ट्रेशन थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. तो हमने इसको क्या करना है, स्टरिलाइज करना है हमारे कंटेनर को, हमारे प्रिपरेशन को. उसको जैसे हम उसको कंटेनर में फिल करेंगे तो क्या करेंगे उसको हम
ओके, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था. ओके, तो कहाँ थे हम? द स्टरिलाइजेशन इज डन बाय एटोक्लेविंग. जो स्टरिलाइजेशन करना है हमारे कंटेनर को या हमारे फॉर्मुलेशन को, तो हम उसको एटोक्लेव करेंगे और बाय हीट करेंगे विथ बैक्टेरियासाइड. जो एटोक्लेव होता है, एटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है उसको 98 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रखना है हमने 30 मिनट में. और उसको फिल्टरेशन बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से हम उसको फिल्ट्रेशन करना है. हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसको हम फिल्टर करेंगे. उसको फिल्टर करने के बाद एटोक्लेव के अंदर कंटेनर पूरा हम रखेंगे हमारा 98 टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट्स तक. ओके, द आयोडॉप शुड बी पैक्ड इन अ न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स. ओके, फाइनल जो एक कंटेनर में हमने उसको डाल के उसको स्टरिलाइज करें, देन द हमने क्या करेंगे, द आयोडॉप शुड बी पैक्ड करना है हमने न्यूट्रल ग्लास कंटेनर में. न्यूट्रल का जो ग्लास कंटेनर होता है उसके अंदर हमने उसको फिलअप करना है और इन अ सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर. ओके, प्लास्टिक कंटेनर भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं. द ग्लास ड्रॉपर आर मेड ऑफ अ न्यूट्रल ग्लास. जो ग्लास हमने ऊपर का ग्लास का जो ड्रॉपर है वो न्यूट्रल ग्लास से प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको. अब ग्लास जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग, तो उसके भी अलग अलग डिफरेंट टाइप है, तो उसका इन डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर में करेंगे. द टीट्स आर मेड ऑफ अ रबर विच आर कंपेटिबल विद द एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज टू बी यूज इन द फॉर्मुलेशन. जो यहाँ पर जो टिप्स टिट्स है आर मेड ऑफ रबर. जो ऊपर का जो सामने का होल होता है ड्रॉपर का जो होल होता है विच में भी मेड ऑफ रबर. रबर का वो जो होल होता है रबर से होना चाहिए. ऊपर का जो कैप होती है वो पूरा रबर से होनी चाहिए. होल होता है जो रबर का होना चाहिए. विच आर कंपेटिबल विथ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस टू बी यूज इन द फॉर्मुलेशन. तो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हमने ऐड किए थे. ओके, एज अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स हमने ऐड करे थे. एंटी माइक्रोबियल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने वाले सब्सटेंस और ड्रग का हमने यूज़ किया था इस फॉर्मुलेशन के अंदर. तो उससे कंपेटिबल होना चाहिए टिट्स का, मतलब कोई भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स या कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उस फॉर्मुलेशन में ना हो, इसलिए इस तरह से वो कंपेटिबल होना चाहिए. ओके, द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग आई ड्रॉप्स. कुछ प्रिकॉशन हमने लेने पड़ते हैं जब हम आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं. इफ़ द ड्रॉपर इज सेपरेट ऑलवेज होल्ड इट विथ टिप डाउन. ड्रॉपर हमने सेपरेट करे तो उसको ऑलवेज जो हमारा नीचे का जो कंटेनर है उसको नीचे रखना है टिप डाउन में हमने उसे. नेवर टच द ड्रॉपर सरफेस. ड्रॉपर सरफेस को हमने टच नहीं करना. नेवर रिंस द ड्रॉपर. ड्रॉपर को रिंस भी नहीं करना. नेवर यूज़ आई ड्रॉप्स दैट हैव चेंज रेड कलर. अगर जो यूज़ किया हुआ जो आई ड्रॉप है उसको कलर चेंज होने के बाद उसको अगर वो ख़राब हो गया तो उसको हमने यूज़ नहीं करना. ओके, व्हेन द ड्रॉपर इज़ एट टॉप ऑफ द बॉटल अवॉइड कंटामिनेटिंग द कैप व्हेन रिमूव्ड. ओके, व्हेन द ड्रॉपर जो है हमारा टॉप बॉटल में हम उसको यूज़ करते हैं. तो हम जिसको जैसे उसको निकालेंगे जैसे यूज़ करेंगे देना उसको फिर क्लोज करेंगे तो उसका कंटामिनेशन ना हो, इस तरह से हमको क्या करेंगे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जब भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो. ओके, तो कोई कंटामिनेशन ना हो या कोई बैक्टीरिया का वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो या कोई बैक्टीरिया उसके अंदर ना चले जाए, इस तरह से हमने उसको प्रिकॉशन लेते हुए आई ड्रॉप्स का यूज़ करना है. ओके, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको ऊपर का जो ड्रॉपर है उसको हाथ नहीं लगाना, रिंस नहीं करना. ओके, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रॉप्स डू नॉट क्लोज आई टाइटली और ब्लिंक. ओके, जैसे हम ड्रॉप्स को आई में डालेंगे तो डू नॉट क्लोज आई टाइटली क्लोज नहीं करनी और ब्लिंक नहीं करनी मोर ऑफ्टन देन यूजुअल एज दिस मे रिमूव द मेडिसिन फ्रॉम द प्लेस वेर इट इज़ नीडेड. क्या करेंगे, जो यूज़ होता है जो हमने यूज़ किया यूज़ करने के बाद मेडिसिन फ्रॉम द प्लेस वेयर नीडेड, मतलब जो जैसा भी हम उसका यूज़ करेंगे तो उसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में उसको अच्छे से उसको रखेंगे यूज़ करने के बाद. ओके, अच्छे से टाइटली उसको क्लोज करेंगे ऊपर की कैप, देन उसको अच्छे से रखेंगे. ओके, ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो कि आई ड्रॉप्स से रिलेटेड थे. देन आगे हम स्टडी करते हैं आई लोशंस. आई ड्रॉप स्टडी करने के बाद आई लोशंस है, आई लोशन को स्टडी करेंगे. आई लोशन, दीज आर द एक्वस सोल्यूशन यूज फॉर वॉशिंग द आईज. एक्वस सोल्यूशन है आई को वॉश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है आई लोशन को. द आई लोशंस आर सप्लाइड इन द कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म. कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में आई लोशंस का प्रिपरेशन होता है एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डायलूटेड विथ वार्म वाटर. उसको लेने से पहले हमने डायलूट करना है वार्म वाटर के अंदर इमिडिएटली बिफोर यूज़ करने से पहले उसको वाटर में हमने डायलूट करना है. आई लोशन शुड बी एसिटोनिक. ओके,
should be isotonic होना चाहिए वो एंड फ्री फ्रॉम फॉरन पार्टिकल्स टू अवॉइड इरीटेशन टू द आई. एंड इसके अंदर आई लोशन के अंदर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरन पार्टिकल्स या कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे आई के अंदर इरीटेशन हो. ओके फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फॉर द प्रिवेंशन टू अवॉइड इरीटेशन ऑफ द आई. ओके प्रिकॉशन हमने लेना है. ओके प्रिवेंट करना है कोई भी फॉरन पार्टिकल से हमने हमारे आई लोशन के अंदर. ओके they are required to be prepared afresh and should not be stored for more than 2 days as the lotions may get contaminated with microorganisms. वो हमने जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं आई लोशन को फ्रेश होना चाहिए. शुड बी नॉट स्टोर्ड करके रखना नहीं है. फ्रेशली प्रिपेयर करके हमने उसको आई को क्या वॉश आउट करना है. ओके देन उसके बाद अगर उसको स्टोर नहीं करना है क्योंकि स्टोर करके रहेंगे तो कंटामिनेटेड हो जाएगा और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसके अंदर जाने के चांसेस होते हैं. दो दिन से अंदर ही उसको यूज़ कर लेना है. ओके आई लोशंस को. ओके टू एग्जांपल्स ऑफ आई लोशंस आर गिवन बिलो. सोडियम क्लोराइड आई लोशंस. ओके सोडियम क्लोराइड 9 ग्राम में लेना है. प्योरीफाइड वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml. देन सेकंड एग्जांपल और फार्मूला इज दैट सोडियम बाइकार्बोनेट लोशंस. सोडियम बाइकार्बोनेट 35 ग्राम एंड प्योरीफाइड वाटर अप टू 1000 ml. ओके आफ्टर दैट द आई ड्रॉप्स. ओके सॉरी ईयर ड्रॉप्स. ईयर ड्रॉप्स में क्या होता है कि दिस आर सोल्यूशन ऑफ अ ड्रग दैट आर इंस्टिलेड इन टू द ईयर. ओके ईयर में इन एज द नेम इंडिकेट ईयर ड्रॉप ऑब्वियसली ईयर में डालने के लिए यूज़ किया जाता है विथ अ ड्रॉपर. ओके दिस आर जनरली यूज फॉर क्लीनिंग द ईयर सॉफ्टनिंग द वैक्स फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन. जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारे ईयर के अंदर या कोई कोई क्या बोलेंगे उसको मेल जमा हुआ हुआ है हमारे क्या बोलेंगे हमारे ईयर के अंदर या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको क्लीन करने के लिए उसको सॉफ्ट करने के लिए जो वैक्सीस मुझे वैक्स जो सॉफ्ट करना है हमारा क्लीन के अंदर जो वैक्स होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए ट्रीट करने के लिए माइल्ड इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए एयर ड्रॉप का यूज़ किया जाता है. ओके द या कोई चीज़ अंदर चले गई है वो बाहर निकलती नहीं तो इस कंडीशन में हमने एयर ड्रॉप का यूज़ करना है या कोई दर्द है या पेन है तो उसको कम करने के लिए हमने एयर ड्रॉप्स का यूज़ करना है. द सोल्यूशंस इज जनरली प्रिपेयर्ड इन अ वाटर. सोल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर वाटर होना चाहिए. वाटर के अंदर ग्लिसरीन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड डायलूटेड अल्कोहल उसके अंदर का यूज इसके अंदर होना चाहिए. हाउएवर व्हीकल्स लाइक ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आर प्रिफर्ड. तो इसके अंदर व्हीकल्स हमने ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल लिया है. ओके मोस्टली देन एग्जाम्पल देख लेते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप बीपीसी. एग्जाम्पल फर्स्ट इज और फॉर्मूला फर्स्ट इज दैट सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम ग्लिसरीन 30 ml प्योरीफाइड वाटर प्रोड्यूस 100 ml. डिजॉल्व सोडियम बाइकार्बोनेट इन वाटर एड द ग्लिसरीन एंड सफिशियंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम एंड मिक्स द ईयर ड्रॉप शुड हैव बीन प्रिपेयर रिसेंटली. ओके after that next is phenol ear drop BPC. phenol glycerin 40 ml glycerin to produce 1000 ml. okay second formula after that. to ye the monophysic liquid dosage form. then after that biphasic diphasic ho gaya to hum isko biphasic bolenge. biphasic liquid dosage form the liquid which consists of two phases are known as biphasic liquid. that is example emulsion and suspension. okay in a general ab aap bolenge तो बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में दो एग्जांपल है. ओके इन अ जनरल बोथ द फेजेस आर लिक्विड व्हाइल इन अ सस्पेंशन द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स आर डिस्पर्सड इन अ लिक्विड विच एक्ट एज अ कंटिन्यूस फेज. तो सस्पेंशन में आगे स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द इमल्शन. ओके इमल्शन इज बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. इमल्शन क्या होता है वो स्टडी कर लेते हैं हम. An immersion is a biphasic liquid preparation containing two immiscible liquids, one of which is dispersed as a minute globules into other. तो इमल्शन क्या होता है एक बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है कंटेनिंग दो इमिसिबल लिक्विड को हमने मिक्स करना है उसके अंदर एक जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा विच आर डिस्पर्सड एज अ माइनूट ग्लोब्यूल्स इंटू अदर. तो एक लिक्विड हमने उसके अंदर का एक लिक्विड हमने डिस्पर्स करना है अनदर लिक्विड के अंदर जिससे कि एक माइनूट ग्लोब्यूल्स प्रिपेयर हो जाएंगे. ओके तो क्या बोलेंगे इमल्शन एक दो इमिसिबल लिक्विड का प्रिपरेशन है जैसे कि ऑयल और वाटर को हमने मिक्स करना है लेकिन वो दो मिक्स नहीं होते तो इसके लिए हमने इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं जो कि दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्सअप करेंगे इसके वास्ते हमने इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर मस्ट है ऐड करने के लिए. तो इमल्शन इज अ बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म
containing two immiscible liquids, one of which is dispersed in dispersed as a minute globules into another. तो एक जो लिक्विड होता है कि उस दूसरे लिक्विड के अंदर डालने की वजह से क्या होता है कि जैसे भी हम अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है उसके अंदर हमने स्मॉल अमाउंट में ऑयल को डाली तो माइनूट ग्लोब्यूल्स ही प्रिपेयर होते हैं ना. ओके तो दो इमिसिबल और ऐसे भी हो सकता है या ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ऑयल है उसके अंदर एक थोड़ा सा एक 100 ml ऑयल है तो उसके अंदर हमने 2 ml वाटर डाल तो क्या माइनूट ग्लोब्यूल्स प्रिपेयर होते हैं ना. तो दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्सअप करने के लिए हमने इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ किया है इसके अंदर. ओके तो इमल डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इमल्शन इज बायोफिजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड वन ऑफ विच इज डिस्पर्सड एज अ माइनूट ग्लोब्यूल्स इन टू अदर बाय एडिंग अ इमल्सिफाइंग एजेंट कॉल्ड एज इमल्शन. द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इन टू माइनूट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड डिस्पर्सड फेज एंड लिक्विड इन विच द ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्सड इज कॉल्ड कंटिन्यूस फेज. ओके तो यहाँ डिस्पर्सड फेज एंड कंटिन्यूस फेज का हम एग्जाम्पल बताते हैं. ओके जो लिक्विड ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ओके माइनूट ग्लोब्यूल्स में जिसका कन्वर्जन होता है उसको हम डिस्पर्सड फेज बोलेंगे एंड द लिक्विड इन विच द ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्सड इज कॉल्ड कंटिन्यूस फेज. तो क्या बोलेंगे, जो लिक्विड ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, ओके जो जिसके अंदर जो लिक्विड के अंदर ग्लोब्यूल्स प्रिपेयर हो गए हैं, ओके जो लिक्विड है नीचे का ग्लोब्यूल्स नहीं जो लिक्विड है उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फेज. फॉर एग्जांपल आई हैव गिव वन एग्जांपल इज दैट क्या बोलेंगे, एक हम एक एग्जांपल बताती हूँ मैं कि एक हम मैंने दो या पाँच 5 ml मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने डाला है 100 ml वाटर के अंदर. ओके 5 ml ऑयल मैंने 100 ml वाटर के अंदर डाला है तो 5 ml जो है ऑयल का उसे हम क्या बोलेंगे, जिस माइनूट ग्लोब्यूल्स होता है उसे हम डिस्पर्सड फेज बोलेंगे. ग्लोब्यूल्स जो होता है ग्लोब्यूल्स के एक फेज अलग से निर्माण होती है तर तेला अपन काय म्हणत डिस्पर्सड फेज. आफ्टर दैट जिसके अंदर हमने जो लिक्विड डाला था ऑयल जो डाला था 5 ml 100 ml वाटर के अंदर डाला था तो जो वाटर के अंदर हमने डाला है जो वाटर की क्वांटिटी है जो नीचे की जो लिक्विड की क्वांटिटी है उसे हम कंटिन्यूस फेज जो ज़्यादा प्रमाणात जे जास्त प्रमाणामध्ये आहे त्याला आपण कंटिन्यूस फेज म्हणूयात आणि जे कमी प्रमाणामध्ये आहे त्याला आपण काय म्हणूयात डिस्पर्सड फेज. ओके समझ में आता है डिफरेंस दोनों का, डिस्पर्सड और कंटिन्यूस फेज. ओके नॉर्मली टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन नॉट बी डिस्पर्सड फॉर अ लॉन्ग पीरियड सो एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द सिस्टम. तो मैंने बताया जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने कि दो इमिसिबल लिक्विड ऐड नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते, वो सेपरेशन हो फेस सेपरेशन हो जाएगा दोनों का भी. ओके तो इसके लिए हमने इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा. इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके हम दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्सअप करेंगे. इट फॉर्म्स अ फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल्स इन ऑर्डर टू स्कैटर देम इनडेफिनेटली इन द कंटिन्यूस फेज सो दैट अ स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म. ओके एक हम जैसे ही इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर ऐड करके एक प्रिपरेशन के द्वारा हम इमल्शन प्रिपेयर करेंगे तो एक स्टेबल इमल्शन प्रिपेयर हो जाएगा. ओके द इमल्शन आर ऑफ टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. तो एक दो टाइप से इमल्शन होते हैं, दो मेन टाइप होते हैं देन एक्सेट्रा और भी एक इसके जो मेन टाइप है वो दो है देन उसके बाद माइक्रो इमल्शन भी होता है देन मल्टीपल इमल्शन भी होता है. ओके ये अलग से उसके टाइप है लेकिन जो मेन है वो दो हैं देन ऑल्सो सम ऑफ द टाइप ऑफ द इमल्शन इज देयर. ओके बट वी हैव टू लर्न द टू मेन टाइप ऑफ इमल्शन. फर्स्ट इज ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन दैट इज O/W इमल्शन. आफ्टर दैट वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन दैट इज W/O इमल्शन. तो फर्स्ट में देखते हैं इन विच फर्स्ट जो है ऑयल इन वाटर इमल्शन इसे क्या बोलेंगे, पढ़ते टाइम कैसे बोलेंगे उसको, ऑयल इन वाटर. फर्स्ट वाले को ऑयल इन वाटर, सेकंड वाले को वाटर इन ऑयल. इन विच ऑयल इज द डिस्पर्सड फेज. ओके जो मैंने पहले बताया आपको जो कम क्वांटिटी में है ऑयल इन वाटर बोलेंगे, वॉटर के अंदर ऑयल डाला है. जो कमी प्रमाणामध्ये जे लिक्विड आहे त्याला आपण डिस्पर्सड फेज म्हणूयात आणि जे जास्त प्रमाणामध्ये लिक्विड आहे त्याला सच एज वॉटर, वॉटरमध्ये आपण ऑइल टाकले तर वॉटर काय आहे कंटिन्युअस फेज आहे. इन विच ऑइल इज द डिस्पर्सड फेज वेर द वॉटर इज कंटिन्युअस फेज ऑब्विसली
द ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन आर प्रेफर्ड फॉर इंटरनल यूज के लिए यूज़ किया जाता है इस टाइप की इमल्शन को. इन दिस इमल्शंस गमाकाशिया ट्रगोकैन मिथाइल सेल्यूलोज सैपोनिंस सिंथेटिक सब्सटेंसेस एंड सोप्स फॉर्म आर यूज. ओके, तो इसके अंदर हम अलग अलग ट्रगोकैन यूज़ कर सकते हैं या गमाकाशिया एक इंग्रेडिएंट है जो कि इस टाइप के इमल्शन के लिए यूज़ किया जाता है. इंग्रेडिएंट जो इमल्शन ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है तो इसके अंदर इमल्सिफाइंग अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट है सच एज गमाकाशिया ट्रगोकैन मिथाइल सेलुलोज सैपोनिन सिंथेटिक सब्सटेंसेस या अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट कैटेगरी वाइज हम डालकर इमल्शन को बनाते हैं. ओके, मोनोवेलेंट बेसिस सोडियम एंड पोटेशियम एंड अमोनिया आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट. तो NH पॉजिटिव यहाँ बताया तो NH4 होता है नीचे अमोनिया आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट. तो मोनोवेलेंट बेसिस के लिए सोडियम पोटेशियम एंड अमोनिया आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन इन विच वाटर इज dispersed phase and whereas oil is continuous phase the wool fat resins beeswax and soaps formed from divalent basis. तो मोनोवेलेंट बेसिस सोडियम पोटेशियम एंड अमोनिया है. देन डाइवेलेंट बेसिस जो है मोनोवेलेंट बेसिस ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर होते हैं. डाइवेलेंट बेसिस जो है वाटर इन ऑयल इमल्शन में होते हैं लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम एंड जिंक आर यूज एज इमल्सिफाइंग एजेंट. ओके, ऊपर वाले में सोडियम ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर सोडियम पोटेशियम एंड अमोनिया वी हैव टू यूज एज मोनोवेलेंट बेसिस एज इमल्सिफाइंग एजेंट. देन ऑल्सो इन द सेकंड टाइप दैट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन we have to use divalent bases such as calcium, okay, magnesium and zinc as emulsifying agent in water in oil type of emulsion. The oil in water emulsions are mainly used externally as a lotion and or creams. जो mono जो water in oil type of emulsion होते हैं वो externally use किए जाते हैं such as lotion and cream. ओके, अब फर्स्ट वाले में इंटरनल के लिए यूज़ किया जाता है, सेकंड वाले में एक्सटर्नल के लिए यूज़ किया जाता है. ये थे दो टाइप्स मेन जो कि इमल्शन के दो टाइप्स हैं. दैट इज फर्स्ट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन, सेकंड इज ऑयल वाटर इन ऑयल इमल्शंस. तो कुछ टेस्ट हैं इसके. द फॉलोइंग टेस्ट आर डन फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शंस. तो फर्स्ट टेस्ट है हमारी द डाइल्यूशन टेस्ट है. एक टेस्ट है जो इमल्शन को देखने के लिए, यह कौन सा टाइप का इमल्शन है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर कुछ टेस्ट बताए गए हैं. तीन टेस्ट हम स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट इज डाइल्यूशन टेस्ट, सेकंड इज डाई टेस्ट, थर्ड इज कंडक्टिविटी टेस्ट. ये तीन टेस्ट हैं जो कि इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का इमल्शन है. ओके, तो फर्स्ट टेस्ट हम देख लेते हैं. डाइल्यूशन टेस्ट, द इमल्शन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर. इन अ केस द इमल्शन रिमेन्स स्टेबल आफ्टर इट्स डाइल्यूशन इट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन. हाँ, तो फर्स्ट जो हमारा डाइल्यूशन टेस्ट है एज द नेम इंडिकेट यहाँ पर वाटर के साथ आपको डाइल्यूट करना है. जो भी एक प्रिपरेशन है इमल्शन का आपने उसको क्या करना है, वाटर के अंदर डाइल्यूट करना है. क्या हो जाएगा इनकेस द जो इमल्शन है अगर स्टेबल होता है डाइल्यूशन करने के बाद, वाटर के अंदर जो इमल्शन है हमने उसको ऐड किए, अगर वो स्टेबल दिखता है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये ऑयल इन वाटर है वाटर इन ऑयल है. तो ऑब्वियसली जो वाटर है वाटर के अंदर ऑयल इन वाटर का जो इमल्शन है उसके अंदर पूरा अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और एक स्टेबल इमल्शन प्रिपेयर हो जाएगा. ओके, एक स्टेबल क्वान्टिटी में हो जाएगा. ओके, क्योंकि ऑयल इन वाटर के अंदर वाटर एज अ कंटिन्यूअस फेज जास्त प्रमाणामध्ये ऑइल इन वॉटरमध्ये वॉटर जास्त प्रमाणामध्ये आहे आणि ऑइल कमी प्रमाणामध्ये आहे आणि ज्यामुळं आपण वॉटर ॲड केल्यामध्ये वॉटर जैसा भी उसके अंदर ॲड करेंगे तो दोनों भी एकदम से मिक्सअप हो जाएगा, कोई फेस सेपरेशन नहीं हो जाएगा. तो इससे पता चलेगा कि एक स्टेबल इमल्शन हमको दिखाई देगा. तो हम इसे पता करते हैं कि ये जो इमल्शन है जो कि स्टेबल इमल्शन है डाइल्यूट करने के बाद वाटर के अंदर, तो ये मिक्सअप अच्छे से होने के बाद आपको पता चलेगा कि दिस इज ऑयल इन वाटर इमल्शन. ओके, आफ्टर दैट द ऑयल ऑयल वाटर इन ऑयल इमल्शन क्या होता है. अगर वो इमल्शन जो इमल्शन अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन ब्रेक ऑन इट्स डाइल्यूशन,
अगर W by O रहता था तो हमने उसको वाटर डालने के बाद वो ब्रेक होता था, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रहने की वजह से हमने अगर डाइल्यूट किया उसको वाटर से तो वो ब्रेकअप हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ओके विथ बताया गया है यहाँ पर स्लाइड में, दो डब्ल्यू बाई ओ इमल्शन ब्रेक ऑन इट्स डाइल्यूशन विथ वाटर बट रिमेन स्टेबल वेन डाइल्यूटेड विथ ऑयल। ओके तो W by O टाइप का जो इमल्शन है वो ब्रेक हो जाएगा अगर हमने उसके अंदर वाटर डाले। ओके समझ में आता है कि आपको वाटर डालने के बाद, क्योंकि W by O के अंदर ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में है और वाटर कम क्वांटिटी में है। ओके तो वाटर अगर हम डालेंगे तो ऑयल के साथ वो ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन W by O इमल्शन को अगर उसके अंदर हमने डाइल्यूट किए ऑयल से तो वो स्टेबल होता है। ओके समझ में आ रहा है कि आपको टाइप कैसे कैसे पता चलेगा आपको। ओके डाइल्यूशन टेस्ट ऐसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे। ओके द नेक्स्ट इज डाई टेस्ट। डाई टेस्ट क्या होती है वो स्टडी कर लेते हैं हम। द स्कारलेट रेड डाई इज मिक्सड विथ कंटिन्यूस मिक्सड विथ इमल्शन। आगे देखते हैं हम स्कारलेट डाई टेस्ट में क्या होता है। स्कारलेट रेड डाई इज मिक्सड विथ इमल्शन, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ द इमल्शन ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड, कवर इट विथ अ कवर स्लिप एंड एग्जामिन इट अंडर माइक्रोस्कोप। तो स्कारलेट रेड डाई है जो होता है, डाई है एक टाइप का, स्कारलेट रेड डाई बोलेंगे, उसे मिक्स करेंगे इमल्शन के अंदर और उसको ड्रॉपर से लेके जो इमल्शन है उसको लेने के बाद क्या करेंगे, वो स्कारलेट रेड मिक्स करने के बाद इमल्शन के बाद उस इमल्शन को हम माइक्रोस्कोप की एक स्लाइड होती है, माइक्रोस्कोप के ऊपर एक स्लाइड रख के उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कवर स्लिप उसके ऊपर डालेंगे, एक स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर सॉल्यूशन हमारा इमल्शन डालेंगे, दिन उसके ऊपर कवर स्लिप डालेंगे और उसको उसके बाद माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामाइन करेंगे इट अंडर माइक्रोस्कोप। ओके इफ द डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स अपियर रेड एंड द ग्राउंड कलरलेस द इमल्शन इज O by W टाइप। अगर स्कारलेट रेड डालने के बाद सॉल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, ग्लोब्यूल्स अगर रेड दिखते हैं और जो ग्राउंड है जो कंटिन्यूस जो फेज है वो कलरलेस दिखती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, O by W टाइप इमल्शन। ओके स्कारलेट रेड लिया हमने इमल्शन के अंदर, स्कारलेट रेड डाले उसको मिक्स करें, देन वो इमल्शन हमने एक स्लाइड पे डाले, स्लाइड पे डालने के बाद उसको उसके ऊपर एक कवर स्लिप जो छोटी हुई थी है, छोटी एक कवर स्लिप होती है उसके ऊपर रखने के बाद माइक्रोस्कोप के ऊपर उसको एग्जामाइन करेंगे। एग्जामाइन करने के बाद ग्लोब्यूल्स जो होते हैं ग्लोब्यूल्स अगर रेड दिखाई देते हैं हमको एंड जो कंटिन्यूस फेज है जो ग्राउंड होता है नीचे का जो ग्राउंड है वो कलरलेस दिखाई देता है तो उसे क्या बोलेंगे, O by W टाइप इमल्शन बोलेंगे। एंड उसके रिवर्स करेंगे, द रिवर्स में क्या होता है कि द कंडीशन ऑकर्स इन W by O टाइप इमल्शन दैट इज डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स अपियर कलरलेस एंड इट एंड द रेड ग्राउंड तो उसे क्या बोलेंगे, W by O टाइप इमल्शन। पहले वाले में जो ग्लोब्यूल्स है ग्लोब्यूल्स रेड दिखने के बाद और जो ग्राउंड है कलरलेस दिखाई देता है तो O by W टाइप। इसके रिवर्स करना है आपको। ओके रिवर्स कंडीशन करना है, ऊपर वाली जो कंडीशन है उसके रिवर्स करना है। अगर आपको दिखाई देता है डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स कलरलेस दिखाई देते हैं और जो डिस्पर्स जो फेज होती है कलर डिस्पर्स जो ग्लोब्यूल्स हैं वो कलरलेस दिखाई देते हैं और जो ग्राउंड है वो रेड दिखाई देता है तो W by O टाइप ऑफ इमल्शन। ओके ऐसा आपको आपको क्या करने का समझ में आने के लिए ऐसा पेन से नोटबुक में लिखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कैसा होने के बाद क्या होता है। ओके दोनों की कंडीशन नीचे लिखकर आपको याद करना पड़ेगा तभी ये आपको ध्यान में रहेगा। देन कंडक्टिविटी टेस्ट में देख लेते हैं हम। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नोज द वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ऑयल इज द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके ऑयल नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। द कंडक्टिविटी टेस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड परफॉर्म्ड बाय डिपिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड थ्रू अ लो वोल्टेज बल्ब इन द इमल्शन। एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोड दो पेयर वाला इलेक्ट्रोड डालना है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं इलेक्ट्रोड डालेंगे, देन उसको बल्ब वोल्टेज एक लो वोल्टेज बल्ब उसको अटैच करेंगे, देन उसके अंदर इमल्शन डालेंगे। अगर इमल्शन डालने के बाद जो बल्ब होता है जो कि हमने इलेक्ट्रोड को लगाया था, दोनों इलेक्ट्रोड को एक बल्ब लगाया था, बल्ब बीकर के अंदर डालेंगे, ये इलेक्ट्रोड बीकर के अंदर डालेंगे, देन उसके बाद इमल्शन डालेंगे उसके अंदर। अगर इमल्शन डालने के बाद बल्ब ग्लोज होता है
okay. If the bulb glows on passing the bulb glows passing the electric current, the immersion is said that oil in water immersion. Obviously water ज़्यादा quantity में है तो water की वजह से bulbs glow हो जाएगा क्योंकि water is a good conductor of electricity. If this is not occur then because water is continuous phase में है water यहाँ पर, इसकी वजह से बल्ब ग्लोज हो जाएगा. अगर बल्ब ग्लोज हुआ तो ऑयल इन वाटर टाइप इमर्शन बोलेंगे. इन द केस बल्ब डज नॉट ग्लो द इमर्शन इज वाटर इन ऑयल टाइप इमर्शन बिकॉज हियर वाटर इज द कंटिन्यूस फेज. वाटर की हियर ऑयल इज कंटिन्यूस फेज एंड ऑयल इज इन अ लार्ज क्वांटिटी. फॉर दैट पर्पज बल्ब डज नॉट ग्लो. ओके देयर इज थ्री टेस्ट. ओके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट वी हैव टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.